हेलो गाइस वेलकम बैक एंड वी आर बैक विद अ न्यू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑन साइंस सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट सो टुडेस टॉपिक इज क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप टू इमेज मैग्नेटिक फील्ड मुंबई और खड़गपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई के रिसर्चर्स ने एक माइक्रोस्कोप बनाया है जो माइक्रोस्कोपिक टू डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इमेज बना सकता है जो मिली में चेंज होते हैं इसमें साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए ह्यूज पोटेंशियल है जैसे कि न्यूरॉन्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेजर करना और सुपर कंडक्टर में वॉटिस की डायनमिक्स को समझना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर कस्तूरी शाह ने लीडरशिप में वर्क किया गया पब्लिश हुआ साइंटिफिक रिपोर्ट्स में यह प्रोजेक्ट है यह फर्स्ट टाइम है जब एक ऐसा टूल डेवलप किया गया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को इमेज कर सकता है जो मिली सेकेंड्स में बदलती है प्रोफेसर शाह कहते हैं आइडियल फ्रेम रेट फॉर कैप्चरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड वह है जो डेटा की ट्वाइस द फ्रिक्वेंसी ऑफ चेंजिंग डेटा की हो नेचर में सिग्नल फ्रीक्वेंसी की एक रेंज शो करते हैं जियोलॉजिकल रॉक सैंपल्स में मैग्नेटिज्म और रेयर अर्थ मैग्नेट्स में सेवरल मंथ्स से कांस्टेंट हो सकती है लिविंग सेल्स में के अंदर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स एग्रीगेट्स मिनट में होता है न्यूरॉन्स में वर्कबिलिटी फास्ट होती है मिली सेकेंड्स लेते हुए कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स में एटम्स स्पिन की प्रोसेसन केवल माइक्रोसेकेंड लेती है इस टीम ने जो डिवाइस बनाया है वह मिली रेंज में वर्क करता है इन सेंसर्स की एस्पेक्ट एक डायमंड क्रिस्टल में नाइट्रोजन वैकेंट एनवी डिटेक्टर डिटेक्ट सेंटर है ऐसे एन वी सेंटर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के साथ सीडो एटम की तरह वर्क करते हैं जो उनके आसपास के एरिया और ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेन के लिए सेंसिटिव होते हैं जानने वाली बात यह है कि फ्लोरोसेंस इमिटेड फ्राम द फ्राम दीज एन वी एट सेंटर्स इन कोड द मैग्नेटिक फील्ड इंफॉर्मेशन ऐसा प्रोफेसर कहते हैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के मेजरमेंट के टाइम जो चेंज फ्लोरोसेंस लेवल में होता है वह एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और देयर फोरिस की इमेजिंग फ्रेम रेट को लिमिट करता है और सिग्नल को नॉइज़ के रेशियो में डिग्रेड करके मेजरमेंट करता है इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस लिमिटेशन रिसर्चर्स एक लॉक इन डिटेक्शन स्कीम को काम में लेते हैं जो सिलेक्ट करता है लाइट फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज को और रिजेक्ट कर देता है अदर्स को और देयर बाय सेंसिटिविटी को स्मॉल चेंजेस इन्फ्लुएंस इन्फ्लोरेंस में इम्प्रूव कर देता है इम्प्रूव फ्रेम रेट अर्ली रिपोर्ट मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग फ्रेम रेट एक से दस मिनट पर फ्रेम के क्लोज होते हैं यह बायोलॉजिकल सेल्स जैसे चैलेंजिंग सैंपल्स के लिए पर फ्रेम अप्रॉक्सीमेट हाफ आवर तक इंक्रीज कर सकता है इस ग्रुप द्वारा बिल्ड इंस्ट्रूमेंट लगभग 500 से 2000 फ्रेम रेट पर सेकंड की एक इमेज फ्रेम रेट शो करता है जो लगभग टू टू फाइव मिली सेकेंड्स के फ्रेम एक्विशन टाइम में कन्वर्ट हो जाते हो जाएगा प्रोफेसर शाह कहते हैं यह माइक्रो मैग्नेट में मिली सेकेंड से स्केल मैग्नेटाइजेशन चेंज की इमेजिंग को इनेबल करता है सेल्स में डायनेमिक माइक्रोस्कोल माइक्रोस्केल थर्मोमेट्री और फर्दर इम्प्रूवमेंट के साथ प्रोविंग एक्शन पोटेंशियल मेमेलियन न्यूरॉन्स में भी इनेबल करता है ऐसा प्रोफेसर शाह कहते हैं ऐसे एन सेंटर के हाई डेंसिटी के साथ एम्बेडेड एं, एक स्पेशल डायमंड क्रिस्टल एक माइक्रोमीटर थिक बनाया जाता है यह एक सेंसर के रूप में वर्क करता है जब एक थिन टू टी टू डी सैम्पल इसके क्लोज टू टेन माइक्रोमीटर से कम लाया जाता है इस टेक्निक का यूज़ करते हुए रिसर्चर्स 150 माइक्रोमीटर एरिया के इमेज एरिया द्वारा 150 माइक्रोमीटर की इमेज बना सकते हैं जो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इसका मतलब है गाइस की 0.15 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी मतलब हम एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इस इमेज को बनाने के बाद हम इस इमेज को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि यह कैसी मैग्नेटिक फील्ड की इमेज होगी एनवी सेंटर इमेजिंग टेक्निक एक यूनिक टूल है माइक्रोस्केल मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कॉन्टेक्स्ट के सैंपल के रूप में ऐसा प्रोफेसर शाह कहते हैं टीम ने 2017 में आईआईटी आई, आई, आई खड़गपुर के साथ एक कोलैबोरेशन स्टार्ट किया था जिसमें ब्रेन की इमेज बनाने के लिए एक नोबल सिस्टम बनाने का टारगेट रखा गया था उन्होंने शारबा बन्दो उपाध्याय के कोलेबोरेट किया जिन्होंने क्वांटम ऑप्टिक्स क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग के नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए न्यूरोबायोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट लाई जो प्रोफेसर शाह की स्पेशलिटी थी प्रोफेसर शाह कहते हैं उन्होंने पी स्टूडेंट मधुर पराशर के साथ मिलकर एन क्वांटम सेंसर्स का यूज़ करके थ्री में न्यूरॉन्स की इमेज के लिए एक एल्गोरिदम डेवलप किया है यह वर्क कम्युनिकेशन फिजिक्स में 2020 में पब्लिश हुआ था उन्होंने इसके लिए ज्वाइंट पेटेंट फाइल कर दिया है ऐसा वह कहती हैं सो गाय अभी के लिए इतना ही इस टॉपिक पे और जाए से पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा शेयर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग सायनारा